हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में क्लास 10वीं का दोस्तों इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 के दोस्तों सब्जेक्ट रियल पेपर लेके आया हूँ। दोस्तों का आपका यही पेपर परीक्षा में आएगा दोस्तों, तो आपको यही पेपर वो डट लेना है इंग्लिश का दोस्तों, है क्लास 10वीं का। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं, लाइक कर लेना दोस्तों। अब वीडियो आपको लाइक करना है और दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों आपके और सब्जेक्ट के पेपर होने वाले हैं आगे। तो दोस्तों आपके और सब्जेक्ट के पेपर भी इस चैनल पर अपलोड कराए जाएंगे। दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पेपर है इंग्लिश का, यहाँ पर पैसे दिए गए हैं। तो दोस्तों उसके आपको कुछ आंसर यहाँ पर लिखना है, आपको पेपर पूरा देखना है, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं छूट जाएगा। यहाँ पर आपको दूसरा पैसेज है, आपको इसे अच्छी तरह से देख लेना। और दोस्तों आपके यहाँ पर इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको पैसेज में से ही छाँट के लिखना है। आप अच्छी तरह से देख लीजिए। बहुत सारा दोस्तों सॉफ्टवेयर रियल पेपर है दोस्तों, ये PDF है, इसी तरह से दोस्तों आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन भी है दोस्तों, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया, तो आपको यहाँ से आपको उसकी टाइटल समरी बनाना है। यहाँ पर आपको ये तीसरे तीसरे क्वेश्चन में, फिर आपका यहाँ चौथा आता है, यहाँ पर आपको किसी इसके अथवा में दिया गया। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर आप किसी आर्टिकल पर इम्पोर्टेंस किसी पर भी आप दोस्तों राइटिंग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका पाँचवा आता है, आपको यहाँ पर पाँचवें में यहाँ पर लिखना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर दोस्तों। आपको योर फादर ट्रांसफर, यानी कि अपने पिता का ट्रांसफर हो गया, तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखना है। और इसके अथवा में दोस्तों आपको दिया गया है, आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर आपको राइट एन एप्लीकेशन लिखना है, आज की ग्रांट यू 3 डेज दोस्तों। आपको 3 दिन के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर आपकी ग्रामर है सेक्शन सी में, तो आपके यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से आपको इन ग्रामर को अच्छी तरह से खाली स्थान को भरना है दोस्तों। आपको सोल्यूशन अगले वीडियो में मिलेगा दोस्तों, आपको अगले वीडियो में सोल्यूशन प्राइवेट कराऊंगा। तो आपको यहाँ पर चैनल को रखना दोस्तों, आपको इसी चैनल पर अपलोड कराए जाएंगे, आपको संपूर्ण सब्जेक्ट की पेपर इसी चैनल पर अपलोड कराए जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सातवां ट्रांसलेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इंग्लिश एनी फाइव, यानी आपको 5 करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पत्र लिखता हूँ, आप कैसे हो, पूर्व मध्य देश की राजधानी, इस तरह से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है दोस्तों। आपको अच्छे दोस्तों आपको सोल्यूशन अगले वीडियो में मिलेगा। फिर आपका सेक्शन डी आता है, अच्छी तरह देख लीजिए। आपको यहाँ पैसेज है, आपको यहाँ पर उसके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यही पैसेज में से आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है दोस्तों। आपको वीडियो पूरा देखना, अभी तक दोस्तों अपने चैनल पर सही नहीं सब्जेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको और सब्जेक्ट की पेपर भी इसी चैनल पर अपलोड कराएंगे सबसे पहले। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। फिर यहाँ पर नौवा आता है दोस्तों, आप अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट घालते जाइए। यहाँ पर नौवा आता है, इसी तरह से आपको पैसे देखना है, इसके क्वेश्चन आंसर लिख लेना है दोस्तों। आपको सोल्यूशन अगले वीडियो में मिलेगा, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर यहाँ पर दसवां आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े दसवां है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर यानी 3 ऑफ द फॉलोइंग 30 बार। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, अथवा में भी दिया गया है, तो आपको इन दोनों में से किसी भी कर सकते हैं। और बी आपको 10वें के अंतर्गत बीमा भी है, तो बीमा में भी बीमे नंबर में भी दोस्तों आपको अथवा में दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाट वेयर द क्वेश्चन द हेल्प एंड ममता बिकॉज इंडिस्पेंसेबल फॉर द टीम, उसके अथवा दिया गया, तो आप वो भी कर सकते हैं। 11वां आता है आपके, इसी तरह से 12वां आता है, आप अच्छे तरह से देख लीजिए। मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से पेपर लेकर आया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर पोएम दी गई है, आप यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उसी इस पोएम में से आप देख सकते हैं, और आपको इस उस पोएम में से आपके क्वेश्चन दिए गए, तो आपको आंसर उस पोएम में से छांट कर ही लिखना है। यहाँ पर 13वां आता है, व्हेयर डू यू द विंडो ओपन है, फिर उसके भाट डज डाइग स्टैंड फॉर द पोएम, ये इसके अथवा में है। फिर 14वां आता है, आंसर द फॉलोइंग भाट इज लाइन इज द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन, और फिर दूसरा भाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। फिर 15वां आता है, आंसर द फॉलोइंग 30 बार, इज वाई वाज द बॉय हैप्पी ऑल द डे, हाउ डज द मॉस्किटो बिगिन इट इन द लाइफ एंड व्हेयर व्हाई डिड द, इस तरह से दोस्तों आपके क्वेश्चन आंसर पूरी होती हुई, पूरा आपको दोस्तों पेपर हो गया है दोस्तों। अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट के सभी सभी पेपर इसी चैनल पर अपलोड कराए जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें।